ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण 47वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्य अरविंद कृष्ण नयनस्य प्रभु जी, आज पदारविंद, ये है ना, क्या है माता जी, माता जी भागवतम ही खत्म हो चुका है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविविरेण चकार तेषां संख्योभं अक्षर दुषाम अपचित्त तन्मो। ध्यान से सुनिए। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संख्यो भम अक्षर दुषाम अपि चित चित्त तन्वो। मेरे साथ पढ़िए। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु तुलसी मकरंद वायु किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरेण चकार तेषा अंतर्गत स्विवरेण चकार संख्योभम संशोभम अक्षर जुषाम अपि अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो चित्त तन्वो संख्योभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो संशोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो शब्दार्थ है तस्य उसका अरविंद नयनस्य कमल नेत्र भगवान का पद अरविंद चरण कमलों का किंजल अंगूठों समेत मिश्र मिश्रित तुलसी तुलसी दल मकरंद सुगंध वायु मंद पवन अंतःगतः भीतर प्रविष्ट हुए स्वविवरेण अपने नथनों से होकर चकार बना दिया तेषां कुमारों के संख्योभम संख्योभम परिवर्तन के लिए अक्षर तुषाम निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति अनुरक्त अपि यद्यपि चित्त तन्वो मन तथा शरीर दोनों में जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नतनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। पहले मेरे साथ पढ़िए। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नतनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। पहले ये बात भी जब भगवान के चरण कमलों से अंगूठों से कहा है
तो क्यों क्या था, तुलसी दल और चंदन लगा हुआ था। उसकी जो मकरंद जो सुगंध आई इनके नतनों में, इनमें परिवर्तन हो गया। किसमें? शरीर में, मन में, दोनों। ये क्या हो गए? भक्त बन गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ये अभी आएगा वर्णन, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शक के समर्थक थे और श्री भगवान के दादाकार होने की सोच रहे थे, किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। श्री भगवान के चरण कमलों के सुगंध ने जो वायु द्वारा ली जाई गई थी और जो तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकर होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठ कर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकर होने से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। देवा अमुष्य बदना सिद्ध पद्म कोसम उदीक्ष सुंदरतर अधर कुंदहासम लब्ध आशिषः पुनर्वेक्ष तदेयमंग्री द्वंद्वं नक अरुण मणि श्रयणं निदद्युः। देवा अमुष्य बदनासित पद्मकोशम उद्वेक्ष सुंदरतर अधर कुंदहासम लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष तदीयमंग्री द्वंद्वं नक अरुण मणि श्रयणं निदद्युः। मेरे साथ देवा अमुष्य बदनासित पद्मकोशम उद्वेक्ष सुंदरतर अधर कुंदहासम लब्ध आशिषः पुनर्वेक्ष तदेयमंग्रि द्वंद्वं नक अरुण मणि श्रयणं निदद्युः। निश्चय ही अमुष्य भगवान का बदन मुख असित नीला पद्म कमल का कोशम भीतरी भाग उद्वेग से ऊपर देखकर सुंदरतर अधिक सुंदर अधर ओट कुंद चमेली का फूल आसम हसी तब प्राप्त किया आशीष जीवन के लक्ष्य पुनः फिर अवेक्ष नीचे देखकर तदीयम उसका अंग्री द्वंद्वम चरण कमलों की जोड़ी नख नाकुन अरुण लाल मणि पन्ना श्रयणम आश्रय निदद्युः ध्यान किया। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बार बार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार का ध्यान किया। मेरे साथ पढ़िए, उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ। नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ।
और भगवान की मुस्कान और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई मुनिगण भगवान का मुख देख कर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे इस तरह वे भगवान के शरीर को बार बार निहार रहे थे अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया हाँ भाग्यशाली थे भगवान को देख के आए अब जब कभी ध्यान लगे तो भगवान का रूप ध्यान करके तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कैसे भूल सकते हैं उसको जो उन्होंने देखा हम भी कैसे भूल सकते हैं जो डेटी हम देखते हैं अर्च विग्रह बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में आपके दिमाग में छाप पड़ जाती है तो जब आप महामंत्र जपते हैं प्रभुपाद का कहा गुरु ने कहा वो तो मानना पड़ेगा सुनना है कानों से और ध्यान किस में रखना है जो आपको अर्च विग्रह बहुत अच्छे लगे किसी में भी अपना ध्यान तो आपको साकार रूप का हमको तो भगवान दर्शन कब देंगे पता नहीं लेकिन जो भगवान के अर्च विग्रह हैं वही भगवान है हमारे लिए इस भौतिक जगत में पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्ग ध्यानास्पदम बहुमतम नयन अभिराम पौष्णम बपुर दर्शयान मनस्य सिद्धैर रो गया ऊपर औत्पत्ति कह सम घृणयन युद्मस्त भोग है पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्ग ध्यानास्पदम बहुमतम नयन अभिरामम नयना अभिरामम पौष्णम वपुर दशयान मनस्य सिद्ध औत्पत्ति कै समग्रणन युत्मस्त भोग है युतम अष्ट भोग है समगणन युतम अष्ट भोग है आठ प्रकार की स्थितियां होती है उसका क्योंकि योगी थे वो वहां कोई सिद्धियां तो उनको मिली होंगी सबके सब नहीं भी मिली किसी को एक किसी को दो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं लोग मेरे साथ पढ़े पुंसाम गतिम मृगयताम इह योग मार्ग है ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम ओंस्तम बपुर दशयान मनस्य सिद्धे अष्ट भोग शब्द
उन पुरुषों की कहते मुक्ति मृग यथा ढूंढ रहे यह इस जगत में योग मार्ग अष्टांग योग विधि के द्वारा ध्यान आस्पदम ध्यान का विषय बहु महान योगियों द्वारा मतम संस्तुत नयन नेत अविराम सुहावने पौंसनम मानव पपु रूप दर्शयानम प्रदर्शित करते हुए अनन्य अन्यों द्वारा नहीं सिद्धय सिद्ध औत्पत्ति कह शाश्वत उपस्थित सम ग्रणन प्रशंसित युतम भगवान जो समन्वित है अष्ट भोग आठ प्रकार की सिद्धियों से यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं है अपितु वास्तविक है जैसा कि महान योगी ने सिद्ध किया है। भगवान आठ प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। सब आठ के आठ किसी को मिले जरूरी नहीं संभव नहीं। मेरे साथ पढ़िए यही भगवान का रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं परमात्मा रूप और ध्यान में वह योगियों को मनोहर लगता है यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है भगवान आठ प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। तात्पर्य हरे कृष्णा दुर्गेश सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा गोपाल जा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी दुर्गेश प्रभु जी आप पढ़िए। योगियों ने सिद्धि किया है भगवान आठ प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है। तात्पर्य पढ़ना माता जी तात्पर्य यहाँ पर योगी विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते हैं। उनमें से कुछ तो किसी निर्वेश या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन नहीं करते। असली योगी मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है और जिस रूप में वे चारों मुनियों के साक्षात प्रकट हुए थे यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है। अतएव कृष्ण भावनामृत आलोंदन जो अब विस्तार पा रहा है योग अभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। कृष्ण भावनामृत तो प्रतिष्ठित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योग अभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद आठ प्रकार की योग सिद्धियां सम्मान व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाती।
किंतु यहाँ यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के सक्षम प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी आठ सिद्धियों से पूर्ण हैं। सर्वोच्च योगी मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्र करना है, यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संतुति योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योगी से भित्र है, जैसा कि आजकल पश्चात देशों में समझा जाता है। असली योग अभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है, एकाग्र करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख चक्र गदा तथा पद से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है। कृष्ण के स्वांश हैं। भागवत गीता में भगवान के एक मिनट रुके, ये नॉइज कहाँ से आ रही माता जी? प्रभु जी उनके यहाँ से ही है, किसी और को पढ़ने को देते हैं। हाँ, किसी को आपको दीजिए, वो आपके यहाँ से नॉइज आ रही है। ओके प्रभु जी, हाँ कोई और पढ़े। गोपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़िए। यह हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह कृष्ण भावनामृत कहलाती है। श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित योग पद्धति या पंतजलि द्वारा संस्तुति योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जिसके जैसा कि आजकल पश्चात देशों में समझा जाता है। असली योगा अभ्यास तो इंद्रियों को बस में करना है, और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख पद्म गदा तथा चक्र से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की स्तुति की गई है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने हेतु मनुष्य को सिर तथा पीठ का सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता है और पवित्र वातावरण द्वारा शुद्धि किए हुए एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्म संयम तथा कौमार्य पूर्ण जीवन बिताने के दीर्घ प्रयास करना होता है। किसी धनी आबादी वाले शहर में आप व्यापी जीवन बिताते हुए और अनियंत्रित यौन तथा जीव के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगा अभ्यास नहीं कर सकता। योगा अभ्यास के लिए इंद्रियों को नियंत्रण आवश्यक है और इंद्रिय नियंत्रण का शुभारंभ जीव को नियंत्रित करने से होता है। जो व्यक्ति जीव पर नियंत्रित रख सकता है, वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपनी जीव को उसी प्रकार का वर्जित भोज तथा पेय पदार्थों का ग्रहण करने की अनुमति देकर उसी के साथ योगा अभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। यह अत्यंत शोचनीय बात है कि उनके अवैध तथा कथित योगी पश्चात देशों में आते हैं और लोगों को योगा अभ्यास के प्रति उन्मुखता के अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने के दुसाहस तक करते हैं कि मनुष्य सुरापान की आदत में लिप्त रहते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगा अभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति के कठोर यम नियमों का पालन करने को में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योग आसनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए।
असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजना तथा ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना है। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाला चतुर्भुजी नारायण होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में इस अध्याय में वर्णन हुआ है। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्वेशवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन है। ध्यान के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। यदि कोई इसे ना भी जानता हो तो ईश्वर हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे ना केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदय के भीतर भी स्थित हैं। भगवत गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है। ईश्वर सर्वभूताना हतेशे जगत के परम नित्यता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन है। वे न केवल हर एक के हृदय में रहते हैं अपितु वे परमाणु तत्व के भीतर उपस्थित है। ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है, यह ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वह परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ व्यष्टि परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष है। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य दृष्टांत अति उत्तम है। कोई व्यष्टि व्यक्ति किसी एक स्थान पर स्थित रहता है, किंतु सूर्य इसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए भी हर व्यक्ति के सिर के ऊपर उपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों के जिनमें भगवान भी सम्मिलित हैं गुण समान है, तो भी परमात्मा अपने विस्तार करने की मात्रा युक्त शरीर के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। हर एक हृदय एक मिनट माता जी एक मिनट धन्यवाद आपका बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये जो योग के प्रभुपाद बता रहे हैं कि योग का असली मतलब होता है अपने मन को भगवान में केंद्रित करना और जुड़ना। योग का मतलब होता है जुड़ना, कि जो चीजों के जोड़ को योग कहते हैं। तो ये जो प्रभुपाद ने काफी कंडम किया, जो बहुत सारे लोग सारी दुनिया में चल रहा है योग योग करके, ये योग नहीं है। ये योगिक एक्सरसाइज है, वो व्यायाम है। आपने देखा बहुत सारे, बहुत अच्छा है वो आपके शरीर के लिए, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन उसको योग, जो हम योग में, जो भक्ति योग में ये योगों का वर्णन है, उसका योग से कोई सरोकार नहीं। ये प्रभुपाद ने कहा है कि अपने को मूर्ख नहीं बनाना। किसने कहा कि योग करो भगवान मिल जाएंगे? नहीं, वो योग नहीं है, तो व्यायाम। व्यायाम है, बहुत अच्छे ढंग से होता है हर अंग के लिए, वो योगिक एक्सरसाइज है, उसको योगिक एक्सरसाइज कहते हैं। उसमें और व्यायाम में थोड़ा सा फर्क है। व्यायाम में अपने अंगों को ओवर एक्सर्ट करते हैं, जो योगिक एक्सरसाइज है उसमें आप ओवर एक्सर्ट कभी नहीं करते हैं। आप आराम से करते हैं, आपके जितने भी अंग हैं उनका मूवमेंट, हाथ को टेढ़ा घुमाओ, इधर घुमाओ, धीरे से घुमाओ ताकि वो घूमने लगे। पैरों के योगिक एक्सरसाइज है, पैरों में इतना लोगों के घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए भी योगिक एक्सरसाइज है।
वो बहुत फायदेमंद है, उसको कोई हम उसको नकार नहीं रहे। उसको योग समझना भगवान से जुड़ने वाला वो गलत है। तो ऐसा लोग कुछ कहते हैं ऐसा योग करो भगवान से जुड़ जाना, वो नहीं। भगवान से जुड़ने के लिए जो योग है वो योग का अलग चीज है, योगिक एक्सरसाइज अलग। तो ये प्रभुपाद ने क्लियर किया पहले। और दूसरा कि अब करें किसमें, भगवान योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। कैसे जुड़ेंगे? भगवान के रूप को आप, एक तो तीन किस्म के हैं, एक भक्त लोग हैं जो मार्ग आप लोगों ने अपना रखा है, हमने अपना रखा है भक्ति योग। दूसरा है भक्ति योग क्या है, भगवान की सेवा करके उनको खुश करना। दूसरा है परमात्मा का अपने को से जोड़ना, ये भी योग है। तीसरा है कि आप निराकार ब्रह्म के भगवान का रूप नहीं होता है उसमें जुड़ने का कोशिश करते हैं। कठिन है वो, क्योंकि जब आप किसी को याद करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप एक कोई अमेरिका से आ रहे हैं, उनको आप जरा आएंगे तो आप उनको ये कर दें। कैसे कर सकते हो आप? आप कहेंगे उनकी फोटो भेज दो, क्योंकि किसी चीज से जुड़ने के लिए हमको उसका आकार चाहिए, रूप चाहिए। तो ये रूप अगर है तो आपको जुड़ने में आसानी होती। यही तकलीफ है निर्विशेषवादी का, जो निराकार ब्रह्म में अपने को जोड़ना चाहते हैं अपने को, बहुत ही कठिन है। पहली कठिन चीज क्या है उसमें, वो कहते हैं कि अगर आप इंद्रियों से जुड़े हैं, जैसे आपका योग बैठे और मन किया आपका उस खाने का, नहीं कर सकते आप, अपने इंद्रियों को बिल्कुल कछुए की तरह अंदर कर लीजिए। जैसा कछुआ चल रहा है, आपने टच किया, कछुआ अपने सारे चीजों को अंदर को कर लेता है। उसी तरह से आप अगर इंद्रियां बस में नहीं हो पा रही तो आप वो योग कर ही नहीं सकते हैं। कौन सा? निर्विशेषवादी वाला। उसमें प्राइमरी कंडीशन है कि आप अपने इंद्रियों को बस में करें, फिर आसन लगाएं और आसन में आप अपने नाक के ऊपर अपने मन को केंद्रित करें, आंखें आधी खुली रखें। यह जरूरी है, पूरा खुला नहीं रखना, क्योंकि कोई आपको विषय दिख गए, मन भटक गया तो आपका ध्यान बिगड़ेगा। इसलिए खाली ये, और पूरा आंख बंद नहीं करना है, क्योंकि आपको नींद आने का खतरा होता है। तो ये पद्धति है ये वाली। हम इसको हम कभी रेकमेंड करते हैं, प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल कंडेम किया। दूसरा है वो योगी जो अपने हृदय में परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। इसमें समझाया गया है हर हर प्राणी में आत्मा होती है, बहुत छोटा। व्यष्टि आत्मा का मतलब इंडिविजुअल सोल, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। व्यष्टि आत्मा है आप में, व्यष्टि परमात्मा भी है, एक आत्मा है और उसके साथ में परमात्मा भी है अंदर, दोनों में फर्क है। ये जो परमात्मा अंदर है, इसको मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, आपके शरीर के अंदर भी आत्मा है, लेकिन आपके शरीर की आत्मा आपके शरीर को जानती है, मेरी आत्मा मेरे शरीर को जानती है, लेकिन मेरे अंदर के परमात्मा आपके शरीर को भी जानते हैं। आपके परमात्मा के अंदर जो परमात्मा है वो मेरे शरीर को भी जानते हैं, सभी के शरीर को जानते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं। तो उनका रूप कैसा है, जैसा ही वर्णन किया गया, ऐसा रूप आपने देख लिया, या आप किसी परमात्मा के को आपने चित्र देखा, उसको अपने मन में बिठाया, जब आप ध्यान लगाते हैं तो उन पर ध्यान लगा करके लगाते 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 लगाते, जब आपकी तपस्या पूरी हो गई, आपने कोई आपका भौतिक चीज से लगाव नहीं, इंद्रित विषय सब अपने कंट्रोल में, और भगवान का ध्यान लगाते लगाते आपको भगवान दिख जाते हैं कभी कभी।
आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि आपके हृदय में आंख बंद किया आपने और आपको देखा कि वहां रोशनी है, भगवान बैठे हैं, नारायण, आपने जो भगवान का भी वर्णन हुआ ये दिखे, हो गया आपका आत्म साक्षात्कार, भगवान दिख गए आपको, क्योंकि आप उस स्टेज में, ये स्टेजें होती हैं जब आप, आपके हृदय से कचरा निकलता है, गंदगी साफ होती है, जब काम क्रोध लोभ मोह ये सब जाते हैं, शुद्ध होता है, आप भगवान पर ध्यान लगाते हैं, ये स्टेज आती है। एक ये जो भगवान है जो जो आपने प्राप्त किए अपने हृदय में, इनमें 8 सिद्धियां हैं, कभी कभी वो सिद्धियां आपको भी मिल जाती हैं। आपने किया एक सिद्धि मिल गई कि अपने को भारी से भारी बनाने का, हल्के से हल्का बनाने का, अपने को अदृश्य करने का, 8 है। आप अष्ट सिद्धि आप कंप्यूटर में लॉग करके निकाल लीजिए, क्या है अष्ट सिद्धियां, आपको पता लग जाएगा, किसी को भी अपने बस में कर सकते हो आप, ये अष्ट सिद्धि है। ये इसमें से कोई भी मिल गई तो कोई योगी उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे उसको हुआ कि वो हल्का बना सकता अपने को, तो वो योगी वो भगवान की योग को छोड़ करके वो प्राप्त कर लिया उसने, वो उसी से अपने को भगवान लोगों को दिखाने लगता है। क्या अगर वो हल्का हो गया वो तो उठ के ऊपर उठ सकता है, वो कहेगा अरे ये तो भगवान है, ये तो इतने धरती से 3 फीट ऊपर उठ गया है, ऐसे चीजें दिखा करके अपना पैसा कमाते हैं। ये उनमें उनका पतन होने लगता है, मतलब वो पतन नहीं, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तीसरा है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो हम डिस्कस करते हैं भक्ति योग की, जो भौतिक जगत की चीजें हैं उनसे अलगाव, हमारा उनसे संपर्क न रहे, उनसे हमारा लगाव न, संपर्क तो होगा ही, वो हमें उनका इस्तेमाल भी करना है, लेकिन हमारा लगाव नहीं, लगाव सिर्फ भगवान से, ये भक्ति योग। तो ये तीनों चीजों को यहाँ समझाया है, माता जी पढ़वाइए आगे। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हर एक ये पैराग्राफ से पढ़ना है माता जी। हाँ जी। हर एक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हर एक के कार्यों का अवलोकन कर सकता है, चाहे वह भूत वर्तमान अथवा भविष्य हो। उपनिषदों में परमात्मा को वैष्णव आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी रूप में आसीन बतलाया गया है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र वैष्णव आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों को के प्रदाता है और वे प्रत्येक वैष्णव आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा हर वैष्णव आत्मा को वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में वह भोगना चाहता है। दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जीव की लालसा का प्रतिफल होता है, किंतु भगवान अपने मित्र वैष्णव आत्मा को, जो कि उसका पुत्र भी है, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रमाणित तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवद गीता की यह अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवद गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस तरह वैष्णव आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहते हैं। यह अति चेतना शक्ति वैष्णव आत्मा द्वारा किसी जिसकी चेतना
सीमित है, नकल की जाती है। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरी चेतना अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं है। किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर व्यक्ति के शरीर के विषय में भी सचेत रहते हैं। यह सिद्धांत कि आत्मा तथा परमात्मा एक है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रमाणिक वैदिक वाङ्मय से नहीं होती। व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यह जुड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवत गीता की शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवत गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अति चेतना से संयुक्त कर दिया। तब वह कृष्ण भावनामृत में था। पुनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो जाता है और कृष्ण के प्रति विनित श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ तथा सही बन जाती है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति की यह अवस्था योग प्रणाली की सबसे पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं कि जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त की सहायता करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में भीतर आसीन रहते हैं। किंतु केवल इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भीतर तथा बाहर दोनों तरह से ईश्वर से परिचित होना होता है, और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था तथा समस्त योग की सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी बड़ा, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब यह भगवान से आदेश पाने की सिद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं, तो वह उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर होती है। योग प्रणाली का प्राणायाम, जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, मात्र शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान अगला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। ध्यान की प्राणायाम विधि की 5000 वर्ष पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने के कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता। यह कलयुग पतित योग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यतः अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद होते हैं। वे प्रायः अभागे होते हैं। अतः यदि कोई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है, तो वह कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जा सकता है। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह योगाभ्यास की सरलतम तथा सर्वोच्च स्थिति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यावहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम के केवल कीर्तन करके किया है, जैसे कि वेदांत, श्रीमद भागवत गीता तथा कई महत्वपूर्ण पुराणों में संस्तुति की गई है। भारतीय सबसे अधिक संख्या में हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। नहीं है,
हरे कृष्ण नीरु माता जी, नीरु महाजन, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण भारतीय सबसे अधिक संख्या में इसी योग विधि का पालन करते हैं और ये धीरे धीरे संयुक्त राज्य के अनेक शहरों में फैल रही है। ये इस युग के लिए अतीव सरल और व्यवहारिक है, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर है। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि स्वर्ण युग या सत्य युग में संभव थी, क्योंकि उस युग के लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यवहारिक योग अभ्यास में सफलता चाहते हैं, उसे सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण भावना अमृत का ये अभ्यास राज विद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्ति योग की इस सर्वाधिक उदात विधि का को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा बढ़िया माता जी सुखमय तथा माता जी आवाज नहीं आ रही है नीरू माता जी। हरे कृष्ण अब आ रही है। वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार चारों नामक चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध के प्रति आकृष्ट हो गए, जैसा कि श्लोक 43 में बतलाया जा चुका है। योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वे स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोका जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर ले तो इंद्रियां ना केवल रति कार्य से नियंत्रित की जा सकती हैं अपितु उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है, जैसा कि चारों मुनियों सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार जी ने इस कामना की थी। इसलिए कृष्ण भावना अमृत चिंतनशील मन द्वारा बनाई गई धारणा नहीं है। इस विधि का आदेश भगवत गीता 9.34 में हुआ है। मन मना भव मद भक्तो मदा जी मा नमस्कुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज धन्यवाद आप सबका। जितने लोगों ने आज तात्पर्य पढ़ा, शायद एक ने बोला हो ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया है, आपने प्रभुपाद को नमस्कार करते हुए पढ़ना चाहिए। जब आप तात्पर्य पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। उनको प्रभुपाद को का आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद तब तक नहीं मिलता जब तक हम नमस्कार न करें। नमस्कार नहीं करने का मतलब हमने प्रभुपाद को इग्नोर कर दिया, नहीं, इग्नोर तो आपने नहीं किया। आप प्रभुपाद को हमेशा नमन करते हैं, लेकिन बोलने से भी अच्छा रहता है। जब आपको तात्पर्य पढ़ने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले प्रभुपाद को नमस्कार करिए। तो हम कहते हैं तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय, ये करके, या आप प्रभुपाद को नमन करके, प्रभुपाद को मैं नमन करता हूँ उनका, उनके द्वारा तात्पर्य करके आप आगे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि गुरु की का आशीर्वाद, प्रभुपाद का अगर आशीर्वाद न मिले हमको, हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उनको विनम्र सादर नमस्कार करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगली बार से जब भी आपको किसी ने भी, यहाँ तक कि ये माता जी जो हमेशा कहती हैं, उन्होंने भी नहीं कहा आज जो तात्पर्य पढ़ रही थी, तो इस चीज का ध्यान रखिए, जरूरी है। और ये क्या होता है, जब आप भगवान में, हमने इंद्र विषय को जीतना है, इंद्र विषय में इसमें बताया था कि जिह्वा अपने जीभ पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा जीभ के ऊपर कंट्रोल है तो हमारा अपने पेट के ऊपर भी कंट्रोल होता है।
जीभ ललचाती है, जीभ को तरह तरह के खाने है हम सबको, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये अच्छा लगता, आपको आपकी जीभ को अच्छा लगता है और मुझे भूख लग रही है। अगर मेरी जीभ कंट्रोल में है तो मेरी भूख भी कंट्रोल में हो जाती है। और इसके नीचे क्या है, जीभ आई, पेट आया, इसके नीचे हमारी जननेंद्रियां, जो इंद्रियां हमको परेशान करती, अगर जीभ कंट्रोल कर लिया, पेट कंट्रोल हो गया, तो आपके जननेंद्रिय में भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है, इसलिए बताया है जीभ को कंट्रोल कैसे करेंगे, जीभ को कंट्रोल कि आप भगवान का प्रसाद खाएं। बस अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं तो आपको बहुत लजीज खाना दिखे, कभी मन नहीं जाता उसकी तरफ, कभी नहीं जाता। जैसे हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, आप देखते हैं कहीं कोई पार्टी है, हम अक्सर जाते नहीं हैं क्योंकि शादी ब्याह में, क्योंकि हमारा कोई, हम सुबह जाकर के आज उनको बधाई दे आते हैं, शाम को रात को हमारा कोई काम ही नहीं क्योंकि हम तो खाते नहीं, एक बात। दूसरी बात, रात को वहां गए आप, आपको आने में 11 बज गए, सुबह आप लेट हो जाते हैं, सुबह उठने में लेट हो गए तो मंगल आरती नहीं कर सकते घर में अगर आप आरती करते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली अपने बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हम तो जाते ही नहीं क्योंकि हमें, अगर आप कहीं गए भी, दिन का भी टाइम हो, गए भी, वो खाने की तरफ हमारा मन कभी जाता ही नहीं क्योंकि हम उसको खाते नहीं है। हम तो वो खाना खाते हैं जो सात्विक, सात्विक खाने में जिसमें लहसुन प्याज नहीं है। नंबर एक, ये खाना उसने बनाया है जो हरिनाम जपता हो, जो हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है, उसने खाना बनाया है, और उसने भोग लगाया है जो हरिनाम जपता है, महामंत्र को जपता है, और उसके बाद उसको भगवान को भोग लगाने के बाद उसको हम प्रसाद कहते हैं क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट होता है, भगवान ने जूठा किया ऐसा समझिए। भगवान कब खाएंगे वो तो हमारे भक्ति पर है, अगर हम बहुत शुद्ध भक्त हो जाएं, और शुद्ध भक्त, अब आप कहेंगे नहीं है तो कर क्यों रहे हो, ये आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हैं और भगवान को भोग लगाने, भोग देने लायक आप नहीं है तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, आपका प्रश्न भौतिक दृश्य से बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक दृश्य से नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने प्रयास किया थोड़ा बेटर है, कल प्रयास किया थोड़ा और बेटर है, परसों प्रयास किया थोड़ा और बेटर है, मैं करते करते, ये एक दिन, एक महीने, एक वर्ष का नहीं है, सालों वर्ष बीतने के बाद हो सकता है एक दिन ऐसा मैं ऑफर किया और ऐसा बना जिन्होंने बनाया, भगवान को भोग लगाया, ऐसा हुआ कि भगवान ने स्वीकार कर दिया, हो गया मेरा कल्याण, किसी दिन भी हो सकता है। इसी तरह से आप माला जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमसे अशुद्धियां होती हैं क्यों, मन कहीं और चला जाता है, लेकिन आप सब माला में नहीं जाता, एक माला नहीं, अगर आपने 10 माला जपी है या 16 माला जपी है तो आपके हो सकता है 10-12 माला ऐसी हो जिनमें आपका मन बाहर नहीं गया हो, ये सारा स्वीकार होता है, ये स्वीकार होता है। जो शुरू करता है एक माला जप रहा है, मान लीजिए उसने चार बार उसने जब जपा हरे कृष्ण महामंत्र, उसका मन खाली मंत्र में ही था, ये उसका गेन है, क्या अचीव किया उसने, ये अचीव किया उसने, क्या प्राप्त किया कि चार बार उसका मन बाहर नहीं गया, बहुत बड़ी बात है, ये भी अच्छा है। अब अभ्यासे न तो कौनते या क्या बोला है, वैराग्येण च ग्रह्यते ग्रह्यते, आप थोड़ा सा चीजों से लगाओ। हम जब कहते हैं वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य का मतलब गेरुआ वस्त्र पहन के घर छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब है चीजों से हमारी आसक्ति कम हो,
बहुत ज्यादा आसक्ति होती है हमारी, और वह हमारे इस भौतिक जगत में बद्ध होने का कारण होता है। अगर हम बद्ध हैं, बद्ध का मतलब माया से अगर बधे हैं, भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवत भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना है कि हमने धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप, जब आपके जाने का समय हो, ये कोई नहीं जानता कब इसका कब पलटी मारे जिंदगी, आपको छोड़ के आत्मा निकल जाए, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम धीरे धीरे ऐसे अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा भविष्य अति उत्तम होगा। ऐसा हो सकता है आपके माथे में टीका लगा हो, गले में कंठी माला हो और मैं इस संसार को छोड़ दिया कहीं रास्ते में, तो हो सकता है मेरे को लेने के लिए विष्णु दूत आए, क्योंकि जब मेरे गले में कंठी माला यमदूत देखेंगे, अरे वो कहेंगे ये तो विष्णु का भक्त लगता है, पूछेंगे यमराज से क्या कर रहे हैं इसको, कहते छोड़ दो वो अपने आप ले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इस चीज पर भी करें, और अगर आपने अभ्यास करते 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 आप भगवान आपकी भक्ति शुद्ध हो गई तो आप तो वैसे ही फिर वैकुंठ अपने भक्ति के हिसाब से खुद ही वहां जाने के काबिल बन जाते हैं। ओम अज्ञान तिम्रान दक्ष ज्ञाना जन सला कया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता।